मैंने पहले ही कहा, आज सुबह कहा, कितने लोग सुबह उधर थे, मैंने एक बात कहा ना कि 200 लोगों को जर्मनी में शुगर पेशेंटों को रख के 6 महीने तक टेस्टिंग चला, 200 को भी उनके घर में जो गोलियां वो खा रहे थे उन्हीं गोलियों को 6 महीने बाद तक वहां फ्री दिए, जो गरीब लोग थे वो सभी गरीब वहां पहुंच गए कि मुझे तो गोली भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, रहने भी मिलेगा, जो मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो गरीब वर्ग वहां पहुंच गया 6 महीने तक मजा लेने। उन गरीबों को गोलियां दी गई, खाने के पहले फास्टिंग आफ्टर फूड का टेस्टिंग किया गया, और कभी भी देखो गोली लेने के बाद बराबर शुगर कंट्रोल में रहता है, फास्टिंग में ज्यादा रहता है, यानी पहले जैसे थे घर में वैसे ही 6 महीने तक। 200 में भी यही रिजल्ट। 6 महीने बाद उनको बताया गया कि आप जिस कंपनी की गोली खा रहे थे, जिस रंग की खा रहे थे, वैसी ही मैं हम लोगों ने खाली चुन्ने पाउडर की गोली दी है, आपको असली गोली दिया नहीं है। जय जय गुरुदेव। 200 के 200 भी बराबर व्यवस्थित ठीक हो रहे थे। इसको मनोविज्ञान ने प्लेसिबो इफेक्ट नाम रखा है। क्या नाम? ये ध्यान रखने जैसा है, प्लेसिबो इफेक्ट, यानी आपके दिल में जिस चीज का आपने प्लेस दे दिया है, अगर वो दरिद्रता है तो 100% दरिद्रता को जिंदगी भर खींचोगे, अगर दुख है तो जिंदगी भर दुख को खींचोगे। अगर आपने, इसीलिए मैं सुबह भी बोला कि बाइबल में जीसस ने बोला है कि गरीब और गरीब होंगे, अमीर और अमीर होगा, सुखी और सुखी होगा, दुखी और दुखी होगा, इसका बहुत विरोध होता है। जीसस ने क्यों यूं बोला कोई समझता नहीं। उन्होंने बोला इसलिए तेरे पास आज गरीबी है तो तू गरीबी का ही चिंतन करता है, ये चिंतन तेरे अंदर से जो तरंग बाहर ले जाता है वो तरंग गरीबी का है। तो एक कुत्ता जब गली से बाहर जाता है तो 10 कुत्ते को लेके आता है, तेरी गरीबी की चिंतन और गरीबी को खींच के लाता है। तेरी अमीरी अभी अमीरी में है, आइए कैसे है इसकी अमीरी की जो मौज है, और अमीरी को खींच के लाती। आज तक कुत्ते ने हाथी को खींच के लाया सुना है? नहीं। हाथी ने कुत्ते को खींच के लाया सुना है? जाति जाति को ही खींचेगी तो विचार विचार रूपी शक्ति को ही खींचेगी। जय जय गुरुदेव। जाति जाति को ही खींचेगी। कृष्णगिरी आना काफी नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत भटक चुके हो, तुम्हारे चेहरे में ही दिखता है कि भटकने वाली केस है। बरेली से कृष्णगिरी आया है तो कम से कम 12 राज्य डांक के आया है। उस 12 राज्य में कम से कम 12,000 मंदिर तो फ्लाइट में या ट्रेन में डांक के आया है। जी गुरुदेव। फिर कुछ तो दूर छोड़ के आया है। आज इतना ध्यान रख, इधर की जरूर इज्जत रखना, क्योंकि जो 12,000 डांका ना, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे मंदिर की मुझे चिंता है कि यहाँ से तू सुखी जाएगा तो मेरी मंदिर की इज्जत बनी रहेगी। जय जय गुरुदेव। 12,000 मंदिरों से मुझे कुछ नहीं पड़ा है, मेरी माँ की पड़ी है मुझे, और देने वाली तथास्तु बोलती है। अरे मूर्खों का ही ताली बजाते हो, मूर्ख होने से ताली बजा रहे हो, ये तथास्तु बोलती है। आप दुख दुख बोल रहे हो, आप पीड़ा पीड़ा बोल रहे हो, आप रोग रोग बोल रहे हो, वो तथास्तु बोलती रहती है, क्योंकि उसको तथास्तु बोलना ही आता है, उसको और कुछ नहीं आता, वो खाली कुछ भी आप बोलो। अरे हमारे बच्चे मांग रहे, मैंने कल ही बोला मैगी मांगा आपने, बच्चे बच्चे ने मैगी मांगा, आप क्या दोगे? मैगी नूडल्स मांगा, क्या दोगे? नूडल्स। उपमा मांगा, क्या दोगे? उपमा। अरे मूर्खों, अपने बच्चे तक को भी आप वो मांगता वही देते हो तो जगत जननी तो जो आप मांगोगे वही देगी नहीं। सत्य वचन गुरुदेव। तो यहाँ के मुझे दुख बहुत है माँ तथास्तु, मुझे पीड़ा बहुत है माँ तथास्तु, आजकल काम हो नहीं रहा है माँ तथास्तु। हाँ, अपने शब्दों को बदले बगैर जीवन नहीं बदलेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि घर का मरम्मत करोगे कि घर छोड़ के भाग जाओगे? मरम्मत करेंगे। आप आज यहाँ हाथ लगा के बोलो, बचपन से जिन जिन देवताओं की पूजा की उसमें कितने ही देवताओं की श्रद्धा आज छूट गई कि नहीं, बताओ? क्योंकि आपने अपनी गलती का मरम्मत नहीं किया, उन देवताओं को छोड़ दिया। घर नहीं छोड़ रहे हो ना, देवता छोड़ रहे हो। आप अपनी गलती की मरम्मत क्यों नहीं करते? बरसात आया, लीकेज हुआ, घर क्यों नहीं छोड़ लिया? आपको पता है कि छोड़ू तो नुकसान है,
भगवती को छोड़ूं तो नुकसान है ये विश्वास आना चाहिए। सत्य वचन, मुझे माँ को छोड़ने से नुकसान है मारा।